लिंक करने के बाद आपको बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप इसको प्ले कर देंगे यूं और देखिए तो गाइस ये टेस्ट का मॉड्यूल है। मैं आपको गाइस ये गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं दुबई टेस्ला और टेस्ला की कुछ शॉपिंग करने हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आज टेस्ला की शॉपिंग कर रहे हैं। टेस्ला ट्रक ले रहे हैं एडी, आज ट्रक ले रहे हैं हम लोग यार, कि साइबर ट्रक आपको पता है कि बुकिंग प्री बुकिंग चल रही है, तो आज जा रहे हैं हम लोग भी बुकिंग करवाने। हर बंदा खरीद रहा था तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे। पहले तो इसका डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया ना मुझे, ना आईडी को अजीब सा था, लेकिन जब इसकी प्राइस देखी प्राइस बहुत कम थी, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अभी प्राइस आपको वहां जाके बताएंगे यार, प्राइस वाकई बहुत कम है। और इसमें तीन तरह के ट्रक्स आए हैं और तीन वेरियंट आए हैं, यानी तीन वेरियंट हैं और ऐसी बात है, तो उधर जाके हम बताते हैं फिर कैसे करना है क्या करना है। और बाकी टेस्ला वाले होने वाले हैं, टेस्ला वाले भाई। फाइनली हम लोग टेस्ला के शोरूम पे पहुंच चुके हैं और ये शेख जायद रोड है और ये स्काई स्क्रीपर मुझे बहुत पसंद है यार। ये लिंक बिटवीन है और आपके पीछे बिल्कुल बुर्ज खलीफा है, ये शेख जायद रोड है। लेट्स गेट इन। सो गाइस मेरे पीछे एक्स का मॉडल खड़ा हुआ है, आपने अगर देखा हो, और हम आज यहाँ आ चुके हैं टेस्ला ऑफिस में। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऑर्डर एक ट्रक जो साइबर ट्रक है, अभी देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो गाइस ये है वो एक्स मॉडल एक्स, इसका आप देख सकते हैं, इसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है जो दुबई पुलिस के पास है। और तो गाइस ये देखें, इस तरह ये चार्ज होता है, ये इसका चार्जिंग पोर्ट है इसके, ये है। क्लिक करने के बाद इसको बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप इसको प्लेस कर देंगे यूं और देयर यू गो, चार्जिंग स्टार्टेड। ये आपको मॉडल दिख रहा है एक्स का, और इसके जो आपको डोर्स, आपको पता ही है कि डोर्स इसके बटरफ्लाई हैं, बहुत ही प्यारी है यार। इसकी जो रिम्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और इसका ओपनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से ओपनिंग है। चलो भाई लेट्स टेस्ट ड्राइव। बेसिकली ये इसका चेसिस है, इन्होंने इस गाड़ी का चेसिस इस तरह का रखा हुआ है। ऑब्वियसली इसके मैकेनिज्म इसके ऊपर बाद ही फिट होता होगा, और ये इसकी पूरी मशीनरी है अंदर से। बेसिकली ये है, इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह की मोटर्स आती हैं वो उस तरह के मुताबिक होता होगा, यानी कि ट्राई मोटर्स और टू मोटर्स। वो सिर्फ यही है कि कैपेसिटी है कि उसकी कितना और चल सकेगी या उसकी लेंथ। सो गाइस लेट्स प्लेस एन ऑर्डर। मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब ये टेस्ला पे जाएंगे। लेट्स गो टू टेस्ला। साइबर ट्रक, साइबर ट्रक ऑब्वियसली, साइबर ट्रक, साइबर ट्रक। ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नीचे है, नीचे है। ऑर्डर नो। यस ये यू गो। सो गाइस ये दिख रहे हैं तीन तरह के वेरिएंट्स में आ रहा है इस वक्त, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये मिल रहा है सिंगल मोटर, कोई सा भी हम बुक करवा सकते हैं। हम लोग सिंपल वाले में जाएंगे वन मोटर में, और इसको बाय करना चाह रहे हैं। बाय इस वजह से कर रहे हैं कि ऑब्वियसली यार सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये आई एम नॉट श्योर कि मैं ये आई विल बी एबल टू परचेज इट और नो, बट आई वांट टू बुक राइट नाउ कि मैं इवेंचुअली इससे कोई बेनिफिट ले सकूं। जब ये 2021 में आएगी मैं उसको बुक कर चुका हूँगा, और देन ये जैसी आएगी मैं वैसे सेल कर सकूँगा, इसलिए कि उस वक्त फिर ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैसी स्टार्ट नहीं होगी। Let me just fill this. I'll just fill this and then got to go. Yeah. Email address. My email address is Adnan_AH19. गाइज एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इंफॉर्मेशन दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है और पर्सनल है, तो इस वजह से मैं ये स्क्रीन का
इसको इनको वहाँ कर रहा हूँ गाइस. उस पर लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली प्लेस इन ऑर्डर, नाउ ऑर्डर्स भी हैज बीन प्लेस्ड. अब मैं आपको दूसरी गाड़ियाँ दिखा देता हूँ. अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दूसरी गाड़ियाँ दिखा देता हूँ. जैसे ही कुछ लोग निकलते हैं तो मैं उसमें से आपको उसके बोनट भी खोलकर दिखाता हूँ, और उसकी चार्जिंग तो मैं दिखा ही चुका हूँ कि चार्जिंग कैसे होनी होती है. गाइस इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये जब आप इसको अनलॉक करते हैं ये ऑटोमेटिकली डोर खुलता है. डोर बिल्कुल ओपन ऑटोमेटिकली होता है. ऑब्वियसली इसकी ये लाइक मैकेनिज्म इस तरह का है, लेकिन जो ओवरऑल जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है. आप ये देख लें भाई, ये इसके साइड साइड में इस तरह होता है भाई, और इसका ये है सारा सीन. ऑब्वियसली ये ऑन तो नहीं है इस वक्त, ऑन कैसे होती है ये भी दिखना पड़ेगा. फिलहाल तो ये चार्ज हो रही है, तो ऑब्वियसली ये अभी ऑन नहीं हो सकेगी. चार्जिंग पोर्ट को मौसम निकाली है, तो इसमें अभी तो बता रहा है कि इसमें अभी ये बता रहा है कि इसमें इतनी चार्ज हुई है कि 314 किलोमीटर तक जाएगी. अभी फ़िलहाल ये 12 घंटे टाइम रिमेनिंग बता रहा है कि और मज़ीद हो सकती है. छोटी इस तरह का है यार, और ये जो पूरा इसका जो पूरा का पूरा ये जो है ना पैनारामिक व्यू जो है, मैं आपको बाहर से आइडिया देता हूँ इसका. देखो भाई ये है इसके अंदर, इस बोनट का साइज़ इतना है कि आपकी दो चेयर्स आ सकती हैं बस. गाइस ये टेस्ला मॉडल एस, इसके भी मैं आपको 360 इसका पूरा दिखाता हूँ. 360 में दिखा देता हूँ. इसको 360 में दिखाता हूँ, और मैं इसको आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि अंदर से किस तरह का इसका बोनट वगैरह भी दिखाता हूँ. हाँ भाई ये है क्या कहते हैं वही एस, और इसमें दो वेरियंट्स हैं, लॉन्ग रेंज का और शॉर्ट का, वही जो होता है. और ये इसके मामलात कुछ इस तरह से हैं. इसका म्यूज़िक सिस्टम होगा ऑब्वियसली, और क्या है इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये चार्जिंग है, एनर्जी है, कैमरा भी है, कॉल भी है, इंटरटेनमेंट है, टॉय बॉक्स भी है, टॉय बॉक्स है, और क्या है भाई, और भी बहुत कुछ है. ये आपको नज़र आ रहा है, कोई गियर सिस्टम कुछ भी नहीं होता है. और इसकी रूफ जो है ना बड़े कमाल दी है, रूफ ऐसा है पूरा पैनोरामिक व्यू. आप तो मैं आपको ऊपर से शायद दिखा पाऊँ कि इसको एग्जैक्टली आप समझ सकें कि ये कितनी क्या छत है इसकी. बाकी जो इसकी रूफ है, रूफ टॉप बहुत ज़बरदस्त है, और डेकोर भी अच्छा है यार, और कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, 5 लोग बैठ सकते हैं आराम से. देखें टेस्ला के अपने चार्जिंग स्टेशंस भी हैं यहाँ पे जगह जगह, और टेस्ला की कोई भी गाड़ी यहाँ पे फ्री चार्ज होती है. दुबई ने ये ऑफ़र दी हुई है कि अगर आपके पास टेस्ला है तो वो फ्री ऑफ चार्ज होगी. और आपको मैं ये गाड़ी दिखाता हूँ अभी. ये ड्यूल मोटर है, मॉडल 3 करके नाम है इसका, और इसका इंटीरियर कुछ इस तरह का है. इसका इंटीरियर चेक कर लें कि इसका इंटीरियर किस तरह का है. इसकी स्क्रीन देखें. और आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ में उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई अगर आप अगर ड्राइवरलेस गाड़ी चलाएंगे तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा. कोई भी ऑटोमेटिक या इस तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक कार चलाने लगे हैं तो उसका भी एक लाइसेंसिंग होगी, और वो मैंने शेयर भी किया था अपने स्टोरी पर. तो इसके अंदर के मामला तो कुछ इस तरह के हैं, आप देख सकते हैं. इसका पैनोरामिक व्यू भी दिखा देता हूँ मैं. पैनोरामिक व्यू इस तरह का है, देख लें पीछे पीछे इस तरह की सेटिंग है. ये इस तरह का सब कुछ है गाइस. इसमें तकरीबन 3 वेरिएंट आते हैं. मैं दिखा देता हूँ, ये मॉडल 3 है. इसका इनसाइड आउट भी दिखा देता हूँ कि इनसाइड कैसा है इसका. यार इनकी स्क्रीन जो है ना उसके सारे पैसे कसम से. और जो ये जो पैनारामा इन्होंने जो दिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पैनारामा है. इतनी बड़ी रूफ जो देते हैं पूरी खुली, आप यानी कि ऊपर पीछे से भी देख सकते हैं और आगे से भी देख सकते हैं. गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन, और थैंक यू वेरी मच. आपके कमेंट्स में देखता रहता हूँ.